को अपनी तलब से सिवा चाहिए। कितना चाहिए, कितना चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, को अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी दामत बरकात मुनाली ने अपने किताब के अंदर एक वाक्य लिखा, एक भिखारी किसी बड़े सेठ के घर के दरवाजे के पास गया, दरवाजा को दस्तक दी, भीख मांगी। वो जब अंदर से निकला, घर इतना बड़ा था, आलीशान था, वो भिखारी इस तलब में था कि बड़ा घर होगा तो बड़ी चीज मिलेगी। उसने कुछ छोटी सी चीज उसको खैरात में दे दी। थोड़ी देर हुई, वो आया और एक खुदाली लेकर बड़ा सा, और उसके दरवाजे को आकर अपना खोदना शुरू कर दिया। दरवाजे के सामने वो बाहर निकला, उसने कहा बाबा क्या हो गया? उसने कहा खोद रहा हूं, इतना बड़ा घर बनाया हुआ है तो जितना बड़ा घर है तो भीख भी तो उतनी दे दो, रब ने दिया हुआ है तुम्हें इतना नवाजा तो कुछ मुझे भी अच्छा अपनी औकात के मुताबिक दे दो। तो आशिक ने लिखा, हुजूर हम आपसे मांगना चाहते हैं, हुजूर आपकी बारगाह से अर्जी कर रहे हैं, हुजूर हमें अता कर दीजिए। हुजूर ने तसव्वुर में उसने देखा होगा मेरे गदा क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो अर्ज करता है हुजूर हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपने तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए। हाँ क्यों कहूँ ये आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, शान भी बस मदीने का हम चाहिए, शान भी बस मदीने का गम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, और आप अपनी गुलामी की दे दे सनद या रसूल अल्लाह, मैं भी आखा मैं तेरा
पर तेरा ते सोने कुछ नहीं जाना कदे तू भी छड़ मेरा आप अपने गुलामी की दे दे सनद आप अपने गुलामी की दे दे सनद इज्जतों मर्तबा बस यही चाहिए इज्जतों मर्तबा बस यही चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा